फ्रेंड्स, मैं तेज आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल ऑर्गेनिक गार्डनिंग में। आई होप आप अपना, अपने फैमिली का और अपने प्लांट्स का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है करी पत्ता प्लांट केयर एंड टिप्स। इस प्लांट को देखिए, ये दूर से देखने पर नीम के जैसे दिखता है, इसको मीठा नीम भी बोलते हैं। करी पत्ता को हम आमतौर पर किचन में यूज़ करते हैं, ये एक हर्बल प्लांट भी है। कड़ी में, दाल में छोंक देने के लिए इसको यूज़ करते हैं, और हर्बल प्लांट के रूप में आपके ये पेट के लिए, स्किन के लिए, बालों के लिए, डाइजेशन के लिए, लीवर के लिए और हाई बीपी के लिए बहुत अच्छा है। इस प्लांट की एज 20 साल से भी ज़्यादा होती है। इस प्लांट की जो लीव्स है उसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है। इसके वाइट कलर के फूल उगते हैं, उनमें भी बहुत अच्छी खुशबू होती है। इसको ह्यूमिडिटी वाले एरिया बहुत अच्छे लगते हैं, जहाँ पर ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो, ज़्यादा नमी हो, वो एरिया इसको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अगर इसके ऊपर डायरेक्ट सनरेज पड़ जाए तो इसके पत्ते मुरझाने लगते हैं, क्योंकि इसके पत्तों के अंदर मॉइस्चर ना के बराबर होता है। देखिए इसके पत्ते, मॉइस्चर बहुत ही कम होता है इसके अंदर। इसके ऊपर कोई पेस्ट भी अटैक नहीं करते। एक स्पाइडर माइट की नाम की एक छोटी मकड़ी होती है, वो इसके ऊपर जाले बुनती रहती है। जब कोई भी पेस्ट अटैक करता है तो वो उस जाले में फंस जाता है और वो स्पाइडर माइट उस कीड़े को खा जाती है। इस प्रकार ये स्पाइडर माइट हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये फरवरी में फ्रूटिंग करता है और रेड कलर के इसके बेर के शेप में इसको फ्रूट लगते हैं, जिसको हम सीड बोलते हैं। और जब ये सीड पक जाते हैं तब ये ब्लैक कलर के हो जाते हैं, तब हम इससे सीडलिंग कर सकते हैं। भारत के जो नमी वाले एरिया हैं, जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, जो समुद्र वाले एरिया हैं, जैसे गुजरात के तटीय क्षेत्र, दक्षिण भारत, या फिर पाकिस्तान में कराची वाले साइड, वहाँ पर ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता है, क्योंकि वहाँ ह्यूमिडिटी लेवल बहुत अच्छा है। इस प्लांट की जो हाइट है वो 15 से 20 फीट तक हो सकती है, और अगर आप इसको कंटेनर में लगाएं तो ये 5 से 6 फीट तक बढ़ सकता है, अगर आप उसकी अच्छी देखभाल करें तो। और खाद की बात करें तो इसको आप 15-15 दिनों में वर्मी कंपोस्ट और सीवीड एक्सट्रैक्ट देते रहें, जिससे इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती रहेगी। मिट्टी की बात करें तो इसको वेल ड्रेनेज सोइल बहुत अच्छी लगती है। वेल ड्रेनेज सोइल का मतलब है कि जिसके अंदर पानी ज़्यादा देर तक ठहर ना पाए। वेल ड्रेनेज सोइल में पानी ज़्यादा देर तक ठहरता नहीं है, जिससे प्लांट की जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। और अगर ज़्यादा पानी अगर पॉट में ठहर गया तो इसकी जो रूट्स हैं वो गल जाएगी और आपका पौधा मर भी सकता है। इसको ना तो ज़्यादा पानी देना है और ना ही हमें कम पानी देना है, एक हमें बैलेंस बना के चलना है। जब इसका सरफेस एरिया आपको ड्राई लगे, सूखा लगे, तो ही आपको इसमें पानी देना है। इसकी मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रहनी चाहिए। ये एक पेड़ की शक्ल का बाद में अपना रूप ले लेता है। इसको ज़्यादा बड़े पॉट की ज़रूरत होती है। अगर ये जैसे जैसे अपनी ग्रोथ बढ़ाता है, वैसे वैसे आप इसको बड़े कंटेनर में अगर शिफ्ट करते जाएं तो ये बहुत अच्छी हाइट ले लेगा। और अगर आप इसको बड़े कंटेनर में नहीं लगाना चाहते, आप चाहते हैं कि मेरे सेम पॉट में लगा हुआ रहे, तो आपको टाइम टू टाइम इसकी जो पॉट है उसको बाहर निकाल के रूट बॉल को, और आपको उसकी रूट्स की प्रूनिंग करनी पड़ेगी, और वापस उसी पॉट में आप लगा रहने दे सकते हैं। टेम्परेचर की बात करते हैं, इस प्लांट को आप सेमी शेड में रख सकते हैं, यानी सुबह की 11-12 बजे की धूप जहाँ आती हो और 12 बजते ही वहाँ छाया आ जाती हो, ऐसी जगह पर आप इसको रखना है। अगर ज़्यादा गर्मी इसके ऊपर पड़ गई तो इसके लीव्स मुरझा जाएंगे, और ज़्यादा सर्दी में भी इसको दिक्कत होती है, अगर ज़्यादा इसके ऊपर धुंध ओस पड़ गई तो इसके पत्ते मुरझा जाएंगे। ना तो इसको कम और ना ज़्यादा सर्दी और गर्मी पसंद है, इसको एक बैलेंस वाला टेम्परेचर अच्छा लगता है, जो 20 से 35 डिग्री के बीच में हो।
इसकी हम सीड से जर्मिनेशन कर सकते हैं। सीड के द्वारा 15 से 20 दिन में इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। कटिंग के द्वारा भी ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। इसकी कटिंग का लगाने का टाइम है फरवरी और बरसात का सीज़न, और सीड भी हम फरवरी और बरसात के सीज़न में ही लगा सकते हैं। अगर आपको इसकी कटिंग लेनी हो तो जो न्यू यंगर शूट हो जो ऊपर की, वो उसको आपको 6 इंच की लेनी है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो ऊपर वाला जो ये न्यू यंगर शूट है, ये हमें लेनी है जहाँ पर ये नए नए शूट्स निकल रहे हों, ये वाली ब्रांच हमें चूज़ करनी है। ये हमें 6 इंच की लेनी है, 6 इंच की यहाँ से काट देता हूँ मैं, ये देखिए। फिर आपको क्या करना है, जो इसके लीव्स हैं ये काटना है, ये देखिए, ये ऐसे काटना है आपको। जो ये वाला एरिया होता है इसको बोलते हैं इसका नोड एरिया, यहाँ से ही रूट्स निकलती है। 3 इंच तक आपको इसको सोइल में दबाना है, और ये वाला जो एरिया है ये ऊपर रहेगा। तो ये कुछ ही दिनों में अपनी रूटिंग और शूटिंग दोनों स्टार्ट कर देगा। इस प्रकार हम इसको कटिंग से ग्रो कर सकते हैं बहुत ईजीली। फ्रेंड्स, एक इम्पोर्टेंट बात और बताता हूँ मैं आपको। जैसे ये वाला पौधा है, ये क्या है कि सीधा लंबा लंबा ही बढ़ रहा है। अगर हम इसको बुशी बनाना चाहते हैं तो आपको इसकी प्रूनिंग करनी पड़ेगी। प्रूनिंग का मतलब है कटाई छटाई। जब आप किसकी यहाँ से कटिंग कर देंगे, ये देखते रहिए, जैसे ये मैंने ये काट दिया, तो जो ये वाला ब्रांच है, ये वाली ब्रांच है, यहाँ से 2 ब्रांच निकलेगी। उसी प्रकार हम उसके पास वाली भी काट देते हैं, ये देखिए, यहाँ से भी 2 ब्रांच निकलेगी। आपको घबराना नहीं है कि इसको हम काट देंगे तो क्या होगा, यहाँ से नई नई ब्रांचें निकलेगी। अगर नई नई ब्रांचें निकलेगी तो नई नई शूटिंग्स होगी, जिससे आपका पौधा बुशी होके अच्छा दिखेगा, गुड लुकिंग आएगी उसकी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये मेरा वीडियो करी पत्ता के ऊपर था कि इसकी केयर एंड टिप्स कैसे की जाए। तो फिर नए किसी वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बाय ऑल फ्रेंड्स।